आज जो मेरे हाथ में किताब है और इस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। और आप लोग भी बोल रहे होंगे कि भाई ये कैसे हो सकता है कि सोचिए और पैसे कमाएं, अगर ये इतना ही आसान होता तो दुनिया में आज हर कोई अमीर तरीन होता। लेकिन ऐसा तो नहीं है। ऑब्वियसली ये किताब ये नहीं कहती है कि आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाएं। इस किताब का ये मकसद है कि आप अपने जो दुनियावी मकासद हैं उसको हासिल कर लें। अब दुनियावी मकासद कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी बनना ही क्यों ना हो। तो ये कैसे हो सकता है कि एक आम सा शख्स जो कि अपनी सिर्फ सोचने के ऊपर जो भी वो सोचें और वो अमीर तरीन हो जाए। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। इसके अंदर कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिसको आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है सोचना। आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि मैं कामयाब तरीन इंसान बनना चाहता हूँ, मैं इस दुनिया का अमीर तरीन इंसान बनना चाहता हूँ, मैं कोई इनोवेशन करना चाहता हूँ जिसके ज़रिए से दुनिया फ़ायदा उठाए। और ऑब्वियसली जब दुनिया फ़ायदा उठाएगी तो उसके पे भी करेगी। इसी किताब के अंदर मौजूद है कि हेनरी फोर्ड एक गरीब गैर तालीम याफ्ता शख्स था। उसने एक गाड़ी का तस्वीर किया जो कि घोड़े के बगैर चल सकती है। अब ये देखें कि हेनरी फोर्ड, मेरे ख्याल से हेनरी फोर्ड के अलावा भी बहुत सारे लोग थे कि जिन्होंने जो है वो गाड़ी का तस्वीर किया था, और उन्होंने इसके हेनरी फोर्ड से पहले ही गाड़ी इन्वेंट कर दी थी। लेकिन इस किताब के अंदर हेनरी फोर्ड का नाम है। आप उस ज़माने में सोच सकते हैं कि घोड़े के बगैर एक मशीन दौड़ेगी और लोगों को खींच के लेके जाएगी। थॉमस एडिसन के दिमाग में एक ऐसा लैंप का ख्याल आया जो बिजली से चल सकती है। अब आप मुझे बताइए कि थॉमस एडिसन के दिमाग में ये जो सोच आई है कि एक ऐसा बल्ब इन्वेंट किया जाए कि जो कि बिजली से चल सकता हो, जिसके बल्कि जो आँख से नहीं चलता हो, तो उस ज़माने में कोई सोच सकता था? लोग सब उसको पागल समझते थे कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। इसी तरीके से अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में सियाफान बाशिंदों को गुलामी से निजात दिलाने के लिए ख्वाब देखा। लिंकन ने ये सिर्फ ख्वाब ही तो देखा था कि जो है मैं जो हूँ वो अमेरिका को फ्री स्लेवरी करना चाहता हूँ, स्लेवरी से फ्री करना चाहता हूँ, और ये जो हम काले लोगों को, निगर्स को जो है वो गुलाम बनाते हैं, ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। लेकिन सिर्फ उसका सिर्फ थॉट थी और उसने इस पर अमल करके दिखाया। दूसरी बात ये है कि राइट ब्रदर्स ने सिर्फ उसे राइट ब्रदर्स देखते थे कि जब परिंदे हवा में उड़ सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकते, तो लोग तो उसके बारे में हंसा करते थे। लेकिन क्या थी? सोच थी। तो ये किताब यही कहती है कि आप सोचें तो सही, जितना बड़ा आप सोच सकते हैं आप एटलीस्ट सोचे तो सही इसके बारे में। मार्कोनी के बारे में देखें, मार्कोनी के बारे में तो लोग कहते थे कि ये तो नफ्सियाती है, ये रेडियो के बारे में फ्रीक्वेंसी की बात करता है कि एक जगह से फ्रीक्वेंसी पे की जाए दूसरी जगह के ऊपर, जो है वो ये जो हवा में जो कुव्वत है ये फ्रीक्वेंसी इसको जो है वो कैच करके, इसको डिकोड करके इसमें मैसेज बाईपास किया जा सकता है। तो ये लोग सोच रहे होंगे भाई ये कैसी हवा में बात करें, एक शख्स कराची में बैठा हुआ है, दूसरा शख्स लाहौर में बैठा हुआ है, और यहाँ से कम्युनिकेशन हो रही है, रेडियो के जरिए से सिग्नल्स पे के जा रहे हैं और रास्ते बूस्टर्स भी लगे हुए, तो ये कैसे हो सकता है? तो उसको तो नफ्सियाती कहा करते थे। लेकिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या थी? उसकी सोच थी कि ऐसा भी मुमकिन है, जिसके लिए उसने कोशिशें की। तो इस किताब के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ सबसे पहला है कि डिजायर, बर्निंग डिजायर, आग लगाने वाली सोच जो आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके पूरे जिस्म के अंदर ये बर्निंग डिजायर्स मौजूद होनी चाहिए, तभी जाके आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। आप ये जानना चाहते हैं कि व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं। अच्छा, जो आप चाहते हैं, व्हाट कैन यू गिव, आप उसके लिए जो आप चाहते हैं, जो आप अपने मकसद को हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या चीज़ दे सकते हैं, इन रिटर्न आप क्या चीज़ दे सकते हैं? आप पैसे दे सकते हैं, अपना टाइम दे सकते हैं, अपनी एनर्जी दे सकते हैं, अपने एफर्ट्स उसके अंदर लगा सकते हैं। अच्छा, जो आपने चीज़ सोची है उसके लिए आपने को डेडलाइन भी सेट करनी है कि कितने साल के अंदर, कितने महीनों के अंदर मैं ये चीज़ें हासिल कर लूँगा। आपको एक साल के अंदर 1 करोड़ रुपये कमाना है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर महीने 10 लाख रुपए कमाने होंगे। तो आपको ये कितने साल में कमाने हैं? 10 साल में, 20 साल में, 30 साल के अंदर? तो आपको ये डेडलाइन सेट ज़रूर करने पड़ेगी। अगर फर्ज करें आप 1 साल की डेडलाइन सेट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हर महाना आपको 10 लाख रुपए कमाने। तो ऑब्वियसली आप ऐसा क्या करें, कौन सा ऐसा स्किल्स सीखे और वो स्किल्स कहाँ पर भेजे कि जिसकी वजह से आपको महाना 10 लाख रुपए मिल जाए। तो दूसरी बात ये कि आपने उस डेडलाइन भी सेट कर ली। डेडलाइन सेट करने के बाद आपको एक प्लान भी बनाना है कि किस तरीके से जो है वो मैं इस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, और उसके बाद उसको लिख लें, उस प्लान को लिख लें और उसको डेली रीड आउट किया करें, ताकि आपको वो दिमाग में रहे कि भाई देखें मैंने ये अपना जो डिज़ायर है मुझे इतने महीनों में हासिल करना है, इस तरीके से हासिल करना है। एक पादरी था, उसका एक विजन था। उसका विजन ये था कि वो एक ऐसा स्कूल खोलना चाहता है जिसके अंदर मार्केट
रिलेटेड जो कि मार्केट में जो टेक्नोलॉजी चल रही है, मार्केट में जो एक्सपर्टीज चल रही है, वो एटलीस्ट वो वाली एक्सपर्टी हैंड्स ऑन तरीके से स्टूडेंट्स को सिखाया जाए। जो कि ये जो हमारा जो इंडस्ट्री का जो गैप बन गया है, ये जो स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ और हमारी इंडस्ट्री के अंदर इस गैप को ख़त्म कर दिया जाए। तो उसका ये विजन था कि भाई मुझे एक ऐसा स्कूल बनाना है, ऐसा स्कूल बनाना है। लेकिन 2 साल तक ये सोचता रहा और ये ख्याल उसके दिमाग में इतना सवार हो गया। लेकिन उसको उसने 2 साल गुजार दिए, उसने डेडलाइन सेट ही नहीं की कि ये मैं अपना स्कूल कब बनाऊंगा और कैसे बनाऊंगा। इसके लिए मुझे $10,00,000 की ज़रूरत है। $10,00,000 मेरे पास आएंगे कैसे? तो मेरे पास इतने वसाइल नहीं है। तो 2 साल उसने ज़ाया कर दिए। फिर इसने एक कोशिश करी, एक बार एक दिन उसने ये ख्याल किया कि मुझे ये $10,00,000 एक हफ्ते के अंदर चाहिए ही चाहिए। तो इसने क्या किया कि इसने अखबार में इश्तिहार दे दिया और इश्तिहार में इश्तिहार का मौजू ये था कि अगर मेरे पास $10,00,000 होंगे तो मैं क्या क्या चीज़ें करूँगा, मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ। तो ऑब्वियसली वो एक स्पीकर तो था, बहुत अच्छा खतीब तो था, और जो है वो क्या कहा कि वो चर्च में पहुंच गया। जब देखा कि चर्च में जो लोग खचा खच भरा हुआ है और लोग पहुंच गए कि भाई ये पादरी साहब क्या कहना चाहते हैं, अगर इन पादरी साहब के पास $10,00,000 आ जाएं तो इस $10,00,000 से करेंगे क्या। पादरी साहब के दिमाग में तो ये ख्याल तो मौजूद था, 2 साल से इसके ऊपर ये एफर्ट कर रहे थे कि मुझे एक बेहतरीन किस्म का स्कूल बनाना है। तो वो जो उनके जहन में जो ख्याल था वो उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर डिलीवर कर दिया। और जब वो स्पीच उनकी ख़त्म हो गई तो एक शख्स उनके पास आया, उसके पास कहता है कि आपकी स्पीच मुझे बहुत पसंद आई, आप मेरे पास कल आइएगा, मैं आपको $10,00,000 का चेक दे दूंगा। तो आपको पता है वो कौन शख्स था? वो उस ज़माने का बहुत अमीर तरीन शख्स था, और उसी ने उस पादरी की जो है वो लगन को देख के उसको पैसे दिए और अपने नाम से जो है ना एक स्कूल का आगाज़ किया, यानी कि एक इंस्टीट्यूट का आगाज़ किया। तो पहला स्टेप तो ये है कि आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। फिर उस जो आपके पास डिज़ायर है, जो आप मकसद को जो आप हासिल करना चाहते हैं, उसको आपको दिल से फेथ भी हो, यानी कि यकीन भी हो, कि आपको यकीन भी होना चाहिए कि हाँ, अब फेथ तो सबको होता है कि भाई मैं ये चीज़ हासिल कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, लेकिन दिल से इसको जो है वो ईमान नहीं होता कि भाई मैं वाकई में ये चीज़ हासिल कर भी सकता हूँ, नहीं कर सकता, बस मैं सिर्फ विश कर रहा हूँ खाली, ठीक है। तो विश के अंदर और जो है बर्निंग डिज़ायर के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। दूसरी बात ये कि सेल्फ टॉक, आप इस मौजू के मुताबिक जो आप हासिल करना चाहते हैं, इससे आप खुद से बातें करते भी हैं या नहीं करते हैं। फर्ज करें आपको एक हॉस्पिटल बनाना है या कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, तो इसके लिए आप जो है वो अपने आप से बातें करते ही नहीं करते कि भाई ये हॉस्पिटल ऐसा होगा, इसमें ये सर्विसेज दी जाएगी, इसके लिए फंडिंग यहाँ से आएगी, इसके लिए मैं इतनी एफर्ट कर सकता हूँ, इसके लिए मैं क्या चीज़ें कर सकता हूँ, मैं मुझे किसी की फंडिंग पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, और मैं किसको किस तरीके से जो है वो अपने पैरों पर खड़ा कर सकता हूँ। दूसरी बात ये कि इसके अंदर जो है वो आपको स्पेशलाइज लोगों के साथ बैठें, उनकी सक्सेस स्टोरी सुनें, स्पेशलाइज लोगों से आप टिप्स एंड टिप्स लें कि आप लोग कैसे आप लोगों ने ये अपने मकासद को किस तरीके से हासिल किया, ताकि जो है वो आप भी मोटिवेट होते रहे। दूसरी बात ये कि आप इसको इमेजिन करें कि आपने जो है हॉस्पिटल खोल लिया है और हॉस्पिटल ऐसा है, वहाँ पे पेशेंट्स आ रहे हैं, और जो है वो जब तक आप इमेजिन नहीं करेंगे कि आप एक जब तक आप इमेजिन नहीं करेंगे उस वक्त तक आप उसको हासिल नहीं कर सकते। कि फ़र्ज़ करें आपको एक गाड़ी चाहिए, बेहतरीन किस्म की गाड़ी चाहिए, तो एटलीस्ट वो गाड़ी कहीं देखेंगे, वो गाड़ी कहाँ के ऊपर शोरूम में जाएँ, उस गाड़ी में बैठे उसकी टेस्ट ड्राइव करें। एटलीस्ट टेस्ट ड्राइव करने को नहीं भी मिल रही है तो आप वहाँ पर बैठे उसका फील करें। जब तक आप उसको फील नहीं करेंगे वो आपको हासिल नहीं होगी। फिर उसके बाद आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको प्लान बनाना पड़ेगा भाई कब और कैसे और कितने टाइम के अंदर जो है वो मैं उसको हासिल कर सकता हूँ। दूसरी बात यह कि टेक अ मैसिव एक्शन, उसको हासिल करने के लिए आपको कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे। फिर जो है वो बी परसिस्टेंस, यानी कि नेवर गिव अप, कंटिन्यूशन के साथ इसके अंदर लगे रहे और छोड़ना नहीं है। इसके ऊपर भी एक बड़ी ज़बरदस्ती स्टोरी है, इस किताब के अंदर शुरू में ही मौजूद है। उसके अंदर 8वां 9वां पॉइंट है कि रिबॉर्न फ्रॉम द फेलियर, जो है वो आपको फेलियर को खौफ नहीं होना चाहिए। कोई भी एक दिन के अंदर जो सक्सेसफुल नहीं हो जाता कि भाई एडिसन ने जो बल्ब बनाया है वो 999 बार उसने अटैम्प्ट किया है और एक बार जो है वो उसको सक्सेस मिली है, तो उसको ये नहीं, लोग ये नहीं कहते कि 999 फेलियर्स है और एक बार सक्सेस है, बल्कि एडिसन उसको ये कहते हैं कि 999 फेलियर्स फेलियर नहीं है, बल्कि 999 वेज है। ये वो तरीके कार है जिसके ज़रिए से बल्ब नहीं बनता है, और जो एक है वो है जिसके ज़रिए से बल्ब बनता है। तो कोई भी जो है वो रातों रात जो है वो सक्सेस हासिल नहीं करता, उसके लिए कंटिन्यूस उसको एफर्ट करने पड़ती है। दूसरी बात ये कोलैबोरेट करना पड़ता है कि जो लोग आपके, अगर फ़र्ज़ करें आपका मकासद एक है, जिस मकासद को आप हासिल करना चाहते हैं, तो आप ऐसे लोगों को ढूंढें जिनका
मकसद आपका जैसा ही हो, ताकि अगर आप एफर्ट फर्स्ट करें, कभी कभार आप स्लो हो जाए, दूसरा बंदा एफर्ट कर रहा, दूसरा बंदा स्लो हो जाए, तीसरा बंदा एफर्ट कर रहा, तो एक कंबाइन एफर्ट आपको करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि टेक रिस्क, रिस्क ले, कोशिश करें, देखें क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा फेल ही हो जाएंगे। तो उसके लिए भी जो है वो एक किताब है जो कि स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, जो कि जो है वो बहुत अच्छी किताब है, उसको वो भी आपको पढ़नी चाहिए। और कंटिन्यूस आप अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट करेंगे। जैसी बात है, फर्स्ट करें, एक बच्चा सोचता है कि मुझे जो है साइंटिस्ट बनना है, तो वो जो बच्चा है उसकी सोच में अलग फ़र्क होगा, फिर तो थोड़ा बड़ा होगा तो उसकी सोच में और फ़र्क आएगा कि भाई जो मैं सोच रहा था वो वैसा नहीं है। अब बस, और जो है वो जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, उसके बाद जैसे जैसे नॉलेज आते जाती है, उसके सोच में भी फ़र्क आता रहता है। तो अपनी जो है नॉलेज को कंटिन्यूशन के साथ इम्प्रूव करते रहें। तो ये भी तमाम चीज़ें हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको मैं रिकमेंड करूँगा किताब पढ़ें। अगर आप किताब नहीं पढ़ना चाहते तो यूट्यूब के अंदर इस पूरी की पूरी बुक जो है, बुक समरीज भी मौजूद हैं, प्लस बुक समरीज के साथ साथ ये पूरी की पूरी कंप्लीट ऑडियो बुक भी मौजूद है यूट्यूब पे अवेलेबल, पूरी ऑडियो बुक चैप्टर बाई चैप्टर। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप किताब को नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप ऑडियो बुक सुन लें, अपने हाथ में किताब रख लें और जो है वो उसको सुनते रहे। आपको उर्दू में मिल जाएगी इसकी ऑडियो बुक, हिंदी में भी मिल जाएगी आपको इसकी ऑडियो बुक, और इंग्लिश में भी मिल जाएगी, यानी कि तमाम जबानों में आपको इसकी ऑडियो बुक मिल जाएगी। अगर आपको ये इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती हो, कोई भी लेसन मिलता हो, काइंडली इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके ज़रिए से फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।